तो दोस्तों देखिए भाई, सुबह ना हम ये स्नैक्स का पैकेट लेकर के आए थे और खोला तो 10 मिनट के बाद ही ये गीले गीले से हो गई है। देखिए इस तरह से बारिश है ना, तो बारिश में इस तरह का हो जाता है और ऐसा भाई खाया नहीं जाता, फिर अजीब सा लगता है खाने में, दांत में खींचने लगता है। तो इसको हम फिर से क्रंची बनाएंगे। तो चलिए इसको हम फिर से पहले जैसा क्रंची करारा बना लेते हैं। हमारे पास देखिए कढ़ाई में तेल अभी थोड़ा सा गर्म है, हमने पकौड़ी बनाई थी तो वही तेल हम यहाँ पे फिर से यूज कर रहे हैं। और तेल देखिए गर्म हो चुका है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इन्हें नहीं भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा तेज आँच से भूनेंगे ना फिर जल जाएंगे। तो फ्लेम को एकदम धीमा कर दे रहे हैं और पूरे हम ये इसमें डाल देंगे आराम से, और बस कुछ ही सेकंड में ये भुन जाते हैं। और एक बात, ये अभी जितने बड़े दिख रहे हैं ये हाफ हो जाएंगे क्योंकि भुनने के बाद इनका साइज कम हो जाता है, ये देखिए। पर हाँ, क्रंची बहुत हो जाते हैं, बिल्कुल देखिए धीमी आँच पे हम इन्हें भून रहे हैं, ये देखिए। बस अब ज़्यादा नहीं इन्हें भूनना है, फटाफट निकाल लेते हैं। और प्लेट में देखिए रख रहे हैं तो आवाज़ भी आ रही है कि ये अच्छे से फिर से क्रंची हो गए पहले जैसे। और अब ना इसे हम थोड़ा सा और चटपटा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इस पर ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स। और थोड़ा सा हम इस पर ऐड करेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छे स्नैक्स अब लगेंगे क्योंकि अभी इससे पहले हमने बना करके खाए थे, हमें काफ़ी मज़ेदार लगे। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सभी के यहाँ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है बारिश में, नमकीन स्नैक्स ये सब चीज़ें ये हल्के हल्के गीले हो जाते हैं पैकेट खुलने के बाद। तो हम दो तरह के देखे लाए थे, दोनों तरह के अब पहले जैसे क्रंची हो गए। आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं, ये देखिए है ना, आवाज़ भी आ रही है। और ये भी देखिए, अरे वाह कितना बढ़िया, मतलब अभी जब हम इसको ऐसे हाथ से दबा रहे थे तो कैसे दब रहा था एकदम सॉफ्टली, लेकिन ये बिल्कुल देखिए चूर चूर हो गया है। तो भाई बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको ये ट्रिक कि स्नैक्स हल्के से अगर बारिश के मौसम में गीले से हो जाए तो उन्हें फिर से क्रंची कैसे बनाया जाए।